देश के अलग अलग राज्यों से कई हैरान करने वाली खबर सामने आती है। इस बीच सनातन से नफरत करने वालों का चेहरा भी बेनकाब होता है, उनकी घिनौनी हरकत भी दिखी जाती है, क्योंकि इनके नफरत के हद यहां तक पहुंच चुकी है कि स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चों को भी दुखी करते हैं, डांटते हैं, कभी कभी तो स्कूल में घुसने तक नहीं देते, मारकर भगा दिया जाता। सवाल यह है कि जब हिंदुओं को बाकी धर्म से दिक्कत नहीं है तो इनको सनातन से इतनी नफरत क्यों है। मध्य प्रदेश के गुना से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई जिसको जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी सनातन विरोधियों की। मध्य प्रदेश से हैरान करने वाला मामला, संस्कृत में श्लोक पढ़ने पर मचा बवाल, प्रिंसिपल ने छात्र से छीन ली माइक, बोली ये शायरी बोलने की जगह नहीं। मध्य प्रदेश के गुना में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक कॉन्वेंट स्कूल के असेंबली के मंच से एक छात्र ने संस्कृत का श्लोक सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कश्चित सुख भाग भवेत पढ़ दिया। इस बात से स्कूल के प्रिंसिपल इतनी नाराज हो गई कि छात्र के हाथ से माइक तक छीन लिया। उसे फटकार लगाते हुए कहा कि यह शायरी पढ़ने का मंच नहीं है। इसके बाद छात्र को मंच से भगा दिया गया। लेकिन जैसे ही यह खबर एबीवीपी को मिली, मौके पर पहुंचकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्कूल में तांडव मचा दिया, जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। जानकारी के अनुसार प्रिंसिपल ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि उस दिन भाषणों के लिए केवल अंग्रेजी की अनुमति थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 जुलाई को गुना के वंदना कॉन्वेंट स्कूल में छात्र असेंबली कार्यक्रम हो रहा था। उस कार्यक्रम में छात्र ने संस्कृत का श्लोक बोल दिया, जिस पर स्कूल के प्रिंसिपल भड़क गई और छात्र के हाथ से माइक तक छीन लिया। इस घटना के बाद विद्यार्थी परिषद के सक्षम दुबे ध्रुव सिंह किरार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। छात्रों का कहना है कि सुबह स्कूल में छात्र असेंबली कार्यक्रम हो रहा था। स्कूल के छात्र ध्रुव पालिया और गौरव किरार ने हिंदू संस्कृति के अनुसार संस्कृत में स्पीच की शुरुआत की। छात्रों ने संस्कृत श्लोक सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया का वाचन किया, जिसके बाद स्कूल की जो प्रिंसिपल थी सिस्टर कैथरीन नाराज हो गई और बच्चे से माइक छीन लिया और उसे स्पीच देने से रोक दिया गया। बच्चों से सिस्टर कैथरीन ने बोला कि ये सब शायरियां यहां नहीं चलेंगी, इंग्लिश में बोलो। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया ने स्कूल प्रिंसिपल को नोटिस जारी किया। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि सुबह की सभा में चुने हुए छात्र आमतौर पर हिंदी और अंग्रेजी में भाषण देते हैं। उस दिन भाषण अंग्रेजी में होना था, लेकिन छात्र ने हिंदी में बोलना शुरू कर दिया, जिसके बाद शिक्षक ने उसे इंग्लिश में बोलने के लिए कहा। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। वे यह भी चाहते हैं कि जिस संस्कृत श्लोक को पढ़ने से छात्र को रोका गया था उसे दैनिक स्कूल प्रार्थना में शामिल किया जाए और उन्होंने प्रिंसिपल को बर्खास्त करने की मांग की। विरोध प्रदर्शन करीब 2 घंटे तक चला। जिला शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और आश्वासन के बाद स्थिति को शांत की गई। गौर करने वाली बात यह है कि इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं है, कई बार इस तरह की खबर सामने आ चुकी है। 9 जुलाई 2023 की खबर है। इंदौर जिले में एक निजी विद्यालय में एक छात्र को एंट्री नहीं देने का मामला सामने आया था। बताया जा रहा था कि छात्र तिलक लगाकर आया था, जिस कारण उसे रोक दिया गया। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने विद्यालय प्रबंधन को चेताया कि वह छात्र छात्राओं की धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए शिक्षण संस्थान में सर्वधर्म संभाव बरकरार रखे। हालांकि विवाद के एक वीडियो में तिलक लगाकर कक्षा से बाहर खड़ा एक नाबालिग छात्र कहता हुआ सुनाई पड़ा कि शहर के श्री बाल विज्ञान शिशु विहार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उसे तिलक लगाकर आने नहीं दिया जा रहा है। छात्र ये दावा करता हुआ भी सुनाई दिया कि उसे शिक्षकों द्वारा चेतावनी दी गई है कि आइंदा वह तिलक लगाकर विद्यालय आया तो उसके हाथ में TC पकड़ा दिया जाएगा। घटना के एक अन्य वीडियो में विद्यालय परिसर में जुटे कुछ लोग शिक्षकों के साथ बहस के दौरान इस बात पर तीखी आपत्ति जताते हुए देखे गए कि छात्रों को तिलक लगाकर आने से आखिर कैसे रोका जा सकता है। बहस के दौरान एक शिक्षिका कहती हुई सुनाई पड़ रही है कि उनके विद्यालय में धर्म की बात नहीं की जाती और उनका शिक्षण संस्थान सर्वधर्म संभाव से चलता है। जिला शिक्षा अधिकारी मंगलेश कुमार व्यास ने इस बारे में कहा कि मेरी इस विद्यालय के प्राचार्य से चर्चा हुई है। प्राचार्य ने मुझे बताया है कि कुछ लोग छात्रों के तिलक लगाने से जुड़ी बात को अनावश्यक तूल दे रहे हैं।
हालांकि उन्होंने घटना के लिए खेद व्यक्त किया है। उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि वो विद्यार्थियों के अभिभावकों के साथ बैठक करके इस मसले को अपने तरीके से सुलझा लेंगे। अब आपको यूपी की दो ऐसी घटना बताते हैं जिसको जानकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा। 12 दिसंबर 2023 की खबर है। गाजियाबाद में तिलक लगाकर स्कूल आए छात्र को स्कूल से अध्यापकों ने घर वापस भेज दिया। छात्र का आरोप है कि कई दिनों से टीचर उसको तिलक लगाकर आने के कारण परेशान कर रहे थे। छात्र के परिजनों ने कहा कि इससे पहले भी छात्र को तिलक लगाकर जाने की वजह से टीचर ने क्लासरूम से बाहर खड़ा कर दिया था और पनिशमेंट दी थी। पहले ही तिलक लगाकर स्कूल में जाकर हिंदू संगठनों ने दखल दिया तो स्कूल ने मामले पर माफी भी मांगी थी। अब जानकारी के अनुसार पूरा मामला गाजियाबाद के थाना विजयनगर क्षेत्र में स्थित ब्लूम पब्लिक स्कूल का है। विजयनगर में रहने वाले एक शख्स ने आरोप लगाया कि उसका भांजा स्कूल में तिलक लगाकर जाता था। स्कूल में तिलक लगाकर आने पर उसको स्कूल की एक टीचर हमेशा डांटती और उसे कई बार सजा दी गई। हद तो तब पार हो गई जब छात्र को स्कूल से तिलक लगाने के कारण वापस घर भेज दिया गया। इस बात की जानकारी जब हिंदू संगठनों को लगी तो हिंदू संगठन स्कूल पहुंच गए। जब हिंदू संगठन के लोग परिवार के साथ स्कूल पहुंचे तो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन ने उनसे माफी मांगी और परिवार और हिंदू संगठनों को कहा कि स्कूल में धार्मिक आस्था पर कोई पाबंदी नहीं है। वही साथ में की खबर है, उत्तर प्रदेश के बलिया में एक निजी स्कूल में हिंदू छात्र की चोटी काटे जाने का मामला सामने आया। पीड़ित छात्र के टीके पर भी आपत्ति जताई गई। घटना एक मिशनरी स्कूल की बताई गई जिसका नाम सेंट मेरिस है। जब पीड़ित की मां इसकी शिकायत करने पहुंची तो उसके साथ भी अभद्रता की गई, बदतमीजी की गई। इस मामले में छात्र के पिता ने स्कूल के एक टीचर और प्रिंसिपल के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी। स्कूल के प्रिंसिपल का नाम सिस्टर मर्जी दास है। शिकायत में स्कूल के अंदर धर्म परिवर्तन जैसी साजिशें रची जाने की आशंका भी जताई गई। पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी। ये मामला बलिया के थाना क्षेत्र रसरा का है। यहाँ के मरियमपुर राघोपुर इलाके में सेंट मेरिज स्कूल है जो कि ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित बताया जा रहा है। विवेकानंद सिंह का बेटा प्रभाकर इसी स्कूल में कक्षा 4 का छात्र है। वह सनातन परंपरा का पालन करते हुए चोटी रखता है। प्रभाकर की माँ अपने बेटे को माथे पर तिलक लगाकर रोज स्कूल भेजती है। 2 मई को प्रभाकर हर दिन की तरह स्कूल आया, तब यहाँ क्लास टीचर बच्चों की हाजिरी लगा रहे थे। वो प्रभाकर सिंह की चोटी देखकर भड़क गए। विवेकानंद का आरोप है कि क्लास टीचर ने उनके बच्चे को चोटी रखने पर डांटा। उन्होंने कहा कि चुटिया बढ़ाकर यहाँ आए हो, चुटिया बढ़ाकर और टीका लगाकर यहाँ आना सख्त मना है। आरोप है कि इसके बाद क्लास टीचर ने कैंची से प्रभाकर की चोटी भी काट दी। जब बच्चे की माँ को इसकी जानकारी हुई तो वो शिकायत करने स्कूल गई। आरोप है कि तब बच्चे की माँ से क्लास टीचर ही नहीं बल्कि प्रिंसिपल ने भी अभद्रता की। आरोप है कि इन दोनों ने कहा कि जो करना है कर लो। शिकायत में पीड़िता ने आगे लिखा है कि प्रिंसिपल और क्लास टीचर ने बच्चे की स्कूल आने पर उसे देख लेने तक की धमकी दी। पीड़िता के पिता विवेकानंद ने सेंट मेरिज स्कूल में हिंदू धर्म के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने यहां छात्रों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने की भी आशंका जताई। पुलिस ने इस मामले में प्रिंसिपल और क्लास टीचर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। वायरल हो रहे एक वीडियो में बच्चे ने बताया कि उसको स्कूल में बिना चोटी के आने के लिए कहा गया। बच्चे ने यह भी बताया कि उसका नाम भी काटने की धमकी आरोपितों ने दी है। तो इस तरह से सनातन का विरोध किया जा रहा है। स्कूल में अब हिंदू छात्रों को टारगेट किया जा रहा है। उनके संस्कृत बोलने, चंदन टीका लगाने पर रोक लगाई जाती है। स्कूल से उनको भगा दिया जाता है। उनके परिवार के साथ भी बदतमीजी की जाती है। इस तरह की घटना हमें सोचने पर मजबूर कर रही है कि देश में क्या हो रहा है। और अगर इस तरह की घटनाओं पर रोक नहीं लगी, सनातन विरोधियों को नहीं रोका गया, इनको तगड़ी सजा नहीं दी गई, तो यह आगे चल के और भी बड़ी समस्या बन सकती है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नक्श को खूब पहचानता हूँ। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूँ। ना कोई दौड़ ना कोई रेस। कैपिटल टी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।